चलो अहमदाबाद के रिंग रोड से हम लोग गांधीनगर हिम्मत नगर होके शामला जी से उदयपुर पहुंचेंगे। हम लोग एक्चुअली हमेशा गोधरा से जाते, बट वो रास्ता काफी लोग से सुनने में आया कि बहुत ज्यादा खराब है। जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब वही है। इस गाड़ी का भी डेंट पड़ा हुआ है, लोगों ने पत्थर मारा है। ये गाड़ी के ओनर भी बता रहे थे, सोच रहे ना कि अभी एक्चुअली आगे वो एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ है शिशोद में और वो ये गाड़ी पे है, पत्थर मारा हुआ है, ये दिख रहा है। रास्ते में टायर भी जले हुए थे। हाँ, टायर भी जले हुए थे, तो इट्स बेटर नॉट टू टेक रिस्क। एंड देन दे आर सेइंग कि डूंगरपुर आया जाओ। चाय आ गई, चलो विल हैव टी एंड विल ट्राई अवर लक। तो अभी की अपडेट ये है, एक और रास्ता था डूंगरपुर, अभी वहाँ पे भी ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे भी सीन है। तो ये लोग अभी पता लगा है राइट्स, पथराव, गाड़ी तोड़ना, जलाना, लोगों को पीटना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को रिजर्वेशन चाहिए, द कॉमन इशू इन इंडिया। हाँ हाँ, मैं बीच में लास्ट में रहता हूँ, तू सेंटर में रह, ठीक है, मैं हूँ तेरे पीछे। भोलेनाथ का नाम लेके निकलते हैं। अभी हम उसी रास्ते पे हैं जो रास्ता अल्टरनेट गांव से होते हुए जाता है। वाह, ये क्या है भाई? तो कुछ एक बॉम्बे की गाड़ी है हमारे आगे आगे और हम मेंटेन कर रहे हैं डिस्टेंस भी, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो हमें भी मौका मिले यू टर्न मारने का, है ना। तो बहुत स्केरी है, रात के 11:40 हो चुके हैं, टेम्परेचर भी काफ़ी प्लेजेंट है, 28 degrees। एंड लेट्स सी, आई होप एवरीथिंग गोज वेल नाउ। गाइस अभी ये सब तो बसर चल ही रही थी, अभी एक और नई बसर चालू हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं इस गाड़ी का पीछा करते करते उदयपुर पहुंचने की, क्योंकि ये दूसरा रास्ता है, नॉन हाईवे एक्सक्लूडेड एरिया है। यू कैन सी दूर दूर तक कोई ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ दैट देयर इज़ दिस आरजे, राजस्थान रजिस्टर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तवेरा, हाँ तवेरा ब्रांड है वो। वो बंदों से भरी हुई, पहले तो उन्होंने रुकाया, मैं रुका, मेरे को रुकाया और हाल चाल पूछा, फिर पी के लग रहे थे बंदे। और उसके बाद अब हमारा चौथी पांचवी बार पीछा कर चुके हैं, मतलब अभी आगे जाएंगे फिर साइड में रुके रहेंगे, हम पास करेंगे फिर उसके बाद फिर से हमारे पीछे से जूम करके ओवरटेक मारते हुए जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम, व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू डू। अभी 3 बार हो चुका है, अभी वो जस्ट आगे गए हैं वो ओवरटेक करते हुए, अभी देखते हैं वो आगे रुके होंगे कि नहीं। गन था, हाँ वो 3 बार रुका है ना, 3 बार ओवरटेक कर, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ना वेट करते हैं। अच्छा आप काम कर, बाइक अंदर ले लो, आगे ले लो, बाइक थोड़ा अंदर ले लो। और ये तुमसे क्या बात किया? कुछ नहीं, किधर जा रहे हो? यात्रा में जा रहे हो? ऐसा क्यों है, बाइक ले ले तुम लोग। हाँ हाँ, मेरे से बाइक अंदर ले लो। तो ये वही कार वाले हैं
जिनके साथ हम पीछे पीछे जिनके चल रहे थे, वी डोंट नो देम, महाराष्ट्र की कार है ये। अभी आप लोगों ने तो सुन ही लिया क्या बोल रहे थे, कि उनके हाथ में गन था। वो नहीं है और अपने को देखते ना, वो नहीं है, वो तो आगे है, अभी नहीं रुका, अभी मिला, आगे रुका हुआ है वो, रुका हुआ है, वो ही मौका ढूंढ रहे हैं ना वो, हाँ, मौका ढूंढ रहा है वो, आगे का रास्ता थोड़ा सा और खराब है। ये लोग है ना वो कौन सी जात होती है, आदिवासी होते हैं ना, बागरी, ये लोग बागरी है, बहुत बेकार है। मैंने बोला था पुलिस स्टेशन पे गाड़ी रोक दी, पुलिस स्टेशन पे कोई भी नहीं था, दरवाजा लॉक था भाई साहब। अरे यार फंस गए बिना, अरे क्या खड़े हैं इनकी माँ का बस। अरे वो नहीं है, कल अपनी गाड़ी में भी रखा था मैंने, वो रखा ही नहीं, वो निकाल दिया साले ने। अरविंद निकला ऑफिस में, एक ही डंडा था, दो कहाँ से आए, था क्या उसके हाथ में, गन था उसके हाथ में, हाँ वो गन निकाल के पहले वो आया ना तो आगे आया, आगे से उसने ऐसा गन लिया और फिर जाके अंदर बैठा, उसके हाथ में गन था, वो लंबी वाली आती है ना, फिर इसने राइट में गाड़ी दबाया वापस आगे आके, हाँ फिर हमने ओवरटेक किया, हाँ फिर इसने वापस ओवरटेक किया, तीन बार हुआ ना ये, हम भी देख रहे हैं, पहली बार तो उसने मेरे को रुकाया था, आपको रुकाया था, हाँ हाँ मैं रुका भी था, क्या बोला कि क्या किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, आपको ये रोड छोड़ना ही नहीं, सीधा हाईवे जाके मिल जाएगा, चलो इसमें कहीं मुड़ना ही नहीं है, रास्ता बराबर है, खराब है थोड़ा, खराब है आगे, और आगे कुछ गाँव वाँव है, थोड़ा होल्ड करते हैं यार, नहीं बात समझ में नहीं आ रही, क्या है ना बात समझ में आ नहीं रही है, हम अगर यहाँ हैं तो ठीक है, ठीक है, हाँ ये लोग भी पंप है, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो एक टवेरा वाला है ना, हम लोग को ओवरटेक कर रहा है और फिर बाद में फिर रुक रहा है, फिर ओवरटेक कर रहा है, खराब ही रहता है इधर, क्या इधर का माहौल खराब ही रहता है, जब हमने बांसवाड़ा मारा था ना, बांसवाड़ा मार देना चाहिए था, उधर से बांसवाड़ा मारते थे ना, सीधा बांसवाड़ा निकल जाते थे, ये बोले नहीं इधर से चलो, नहीं मैप में जो दिखा रहा था ये शॉर्टकट रास्ता दिखा रहा था, आगे जाने से कितना पीछे गया, हाँ अभी सही है ना, अभी इधर आधा घंटा रुकने से अच्छा पीछे मारते, वो बांसवाड़ा सीधा निकलेगा ना, जाके पीछे आया तो वो बांसवाड़ा नहीं निकलेगा, नहीं सुनो इधर वापस हम लोग गए बांसवाड़ा के लिए, लेफ्ट में रोड जा रही है, हाँ सीधे जाएंगे, सीधा बांसवाड़ा निकले, सीधा बांसवाड़ा निकले, वो कितना किलोमीटर आएगा वो, यहाँ से तो नहीं ये तो पता चल गया, ये तो 10-15 किलोमीटर बराबर, वो फिर वहाँ से हाईवे कितना किलोमीटर, तो यार यहाँ से 50 किलोमीटर जाएंगे, हाँ। ठीक है तो खैरवाड़ा जाएंगे, हाँ। और अगर हम लोग वहाँ से जाएंगे 50 किलोमीटर ना, तो जागवाड़ा वहाँ से 30 किलोमीटर है, खैरवाड़ 30 किलोमीटर और हमको मिलेगा, यहाँ से हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग को 25 किलोमीटर पीछे रहेंगे 50 किलोमीटर चल के, और अगर हम वहाँ 50 किलोमीटर जा रहे हैं ना तो हम लोग 60 किलोमीटर आगे रहेंगे, क्योंकि वहाँ से सागवाड़ा जो है ना, खैरवाड़ा से सागवाड़ा का जो रास्ता है ना वो 60 किलोमीटर है, इधर से निकलते ना रोड भी सही है, अब वो रोड पे ना लग्जरी चल रही है, हाँ तो वही मारते हैं ना, थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ थोड़ा सा 10-15 मिनट रेस्ट चाहिए, आधा घंटा रुको, इसलिए ना वो रिटर्न मारेगा, वो रिटर्न मार रहे हैं दोस्तों, अगर वो रिटर्न मारा ना तो चुप रहेंगे, क्योंकि वो आगे से आगे खड़ा है, हाँ ये तो कंफर्म है, गाड़ी बाहर का देखा ना सब, हाँ। गाड़ी सब बाहर की दिखी, वो तो क्यों नहीं रुकाया मालूम है, सब MH गाड़ी है, अपन
सब फॉर्मेशन एक साथ में थे ना, एक साथ पीछे आप लोग लिए काफी लाइट दिख रही थी ना, इसलिए आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उदयपुर गए। उदयपुर खारी रहता तो अभी तक आप लोग उदयपुर में होते थे, हम लोग तो उदयपुर क्रॉस करते थे। हाँ हम लोग अभी सोते रहते थे। नहीं थोड़ा सा रुक के जाएंगे यार,